हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन, आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी, दुल्हन के बिना ही हो गई बारात की बिताई। चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, जिससे मुझे मिलती रहे नई नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेश जी आज बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके एक रोते बेटे रोहित की शादी पारूल के साथ बहुत जल्द होने वाली थी। शादी की तैयारी में पूरा घर जुटा हुआ था। सुरेश जी अपने बेटे की शादी में कोई भी कमी रहने देना नहीं चाहते थे, इसलिए दिल खोल कर खर्च कर रहे थे। ये खुशियाँ सिर्फ सुरेश जी के घर तक ही सीमित नहीं थी, ये खुशियाँ तो पारूल के भी घर में नजर आ रही थी, क्योंकि उस घर की बेटी की भी तो शादी बहुत जल्द होने वाली थी। शादी की तैयारी में दोनों घर कोई कमी छोड़ना तो चाहते नहीं थे। कुछ दिनों पहले ही तो रोहित पारूल को देखने आया था, उसी दिन दोनों की मंगनी हो गई थी। दोनों परिवार की खुशी थी इस रिश्ते में। पारूल की माँ आकर पारूल से कहती, जल्दी तैयार हो जाओ, आज शादी का जोड़ा भी खरीद लेंगे। तभी पारूल फोन कर पूछती, कौन से कलर का लहंगा लूँ शादी के दिन पहनने के लिए? विक्रम ब्लू एंड पिंक लेना, उसमें तुम बहुत सुंदर दिखती हो विक्रम। लेकिन पारूल की शादी तो रोहित के साथ होने वाली थी, फिर पारूल ने विक्रम से क्यों पूछा? विक्रम कौन था? रोहित वही लड़का था जो पारूल के लिए उसके पिता ने पसंद किया था, और विक्रम वही था जिससे पारूल प्यार करती थी। रोहित से सगाई होने के पहले पारूल ने अपने पिता को बताया था कि वही विक्रम नाम के लड़के से प्यार करती, लेकिन पारूल के पिता ने उसके साथ पारूल की शादी कराने से साफ मना कर दिया था। पारूल ने कहा, आपको इस रिश्ते से परेशानी क्या है, हमारी तो समाज भी एक है। पारूल के पिता, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पारा है, ऐसे लड़के के साथ मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता जिसका कोई भविष्य नहीं। आखिर क्या करता है वही विक्रम? एक नंबर का जुआरी है। पारूल, पापा वही जुआरी है नहीं था, और उसने मुझसे वादा किया है वही आज के बाद कभी भी जुआ नहीं खेलेगा, और उसने तो जुआ खेलना कब का छोड़ दिया। वही मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझसे क्या हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगा। पारूल के पिता, बेटा तुम बहुत भोली हो, ऐसे लड़कों को तुम नहीं जानती। जुआ की आदत छोड़ना इतना आसान नहीं। पारूल समझ चुकी थी अपने पापा को कुछ भी समझाना बेकार है, इसलिए उसने विक्रम से बात की और कहा कि पापा तो इस रिश्ते के लिए कभी भी मानेंगे नहीं, क्यों ना हम भागकर शादी कर लें। विक्रम, अभी शादी करने की इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ समय बात कर लेंगे। पारूल कब? जब मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। उसके बाद पापा ने कल लड़के बारों को घर पर बुलाया है, पहले ही मैं बहुत से लड़कों को मना कर चुकी हूँ, अब मुझसे ऑन नहीं हो पाएगा। तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे भी रखने रखा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा कर रहे हो। विक्रम, तुम्हें मेरा प्यार दिखावा रखता है? मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, पारूल पूरा विश्वास है, इसलिए तो तुम्हारे लिए अपने माता पिता को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, तभी तो कह रही हूँ चलो भागकर शादी कर लें, वरना मेरे पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। विक्रम, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। तुम ही बताओ हम शादी कर कहाँ जाएंगे? यदि मैं अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मना भी लूँ और वही शादी के लिए हाँ भी कर दें, तो फिर भी वही तुम्हें बहू के रूप में सही से स्वीकार तो करेंगे नहीं। क्या मतलब, तुम तो जानती हो इस समाज की एक बुरी आदत है दहेज, बिना दहेज के वही तुम्हें अपनी डारी बहू भी तो मानेंगे नहीं। उन्हें तो हमेशा ही रखेगा कि यदि मेरे बेटे की शादी किसी और से होती तो वह बहुत दहेज भी लेकर आती, ना जाने इस कारण वह तुम्हें बात बात पर कितने ताने देंगे। और तुमसे कोई कुछ कहे वह मैं सुन नहीं सकता, चाहे वह मेरे परिवार बारे ही क्यों ना हो। पारूल, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? विक्रम, हाँ, इसलिए तो सोच रहा था कि मेरी कहीं नौकरी लग जाए, फिर तुम्हें यहाँ से भगाकर बहुत दूर ले जाऊँगा, तुम्हारे और मेरे दोनों परिवार से बहुत दूर। विक्रम, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, शायद पापा भी समझ पाते कि तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे। लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि पापा ने रोहित को फिर एक और बार घर पर बुलाया है, और मुझे लगता है इस बार वह मेरी सगाई भी कर देंगे, क्योंकि रोहित के परिवार को मैं और पापा को रोहित बहुत पसंद है। फिर कुछ ही दिनों में मेरी उससे शादी भी हो जाएगी, और मैं सिर्फ
तुम्हारी हूँ, किसी और से शादी नहीं कर सकती। पारुलोहित जब पहली बार हमारे घर पर आया था तो उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे पसंद करता है, यदि मैं भी उसे पसंद करती हूँ तो ही मैं उससे शादी करने के लिए हाँ कहूँ। मैंने उस समय तो रोहित को कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस बार मैं उससे कह दूँगी कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वह सिर्फ तुम हो विक्रम, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। तुम रोहित से शादी करने के लिए हाँ कह देना कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। पारुल तुम क्या कह रहे हो, जानते भी हो, विक्रम बहुत अच्छे से जानता हूँ। विक्रम मैं तुमसे रोहित से शादी करने के लिए हाँ कहने के लिए कह रहा हूँ, उससे शादी करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। मतलब इतना कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। पर कैसे, वह तुम सिर्फ मुझ पर छोड़ दो, देखते जाओ मैं आगे करता क्या हूँ। पारुल लेकिन विक्रम क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, पारुल खुद से भी जाता। तो बस अब तुम घर पर जाओ और शादी की तैयारियाँ करो, रोहित के साथ नहीं मेरे साथ। दूसरे दिन रोहित पारुल को देखने आता। पारुल के पिता पारुल से पूछते, यदि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी हो तो मना कर सकती हो, लेकिन विक्रम से मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊँगा। पारुल, पापा मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ, विक्रम मेरे लायक ही नहीं, आप सच कहते थे, रोहित सच में बहुत अच्छे हैं, मैं रोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपनी बेटी की हाँ सुनकर पारुल के पिता बहुत खुश होते। उसी दिन रोहित और पारुल की सगाई हो जाती। आज का दिन पारुल की माँ, पारुल तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, कहाँ खो गई, चलो शादी का जोड़ा लेने नहीं चलना। पारुल, मम्मी अभी तैयार होकर आई। पारुल अपनी माँ के साथ शादी का जोड़ा लेने चली जाती। भाई पिंक एंड ब्लू कलर का ही जोड़ा लेती जो विक्रम को बहुत पसंद आता। पारुल आज फोन पर जब विक्रम से बात कर रही थी तो कहती, मैं तो परेशान हो गई हूँ रोहित से, हर दिन फ़ोन करता है और मैं कोई ना कोई बहाना करके फ़ोन रख देती हूँ। विक्रम, हो गई हो क्या, यदि तुम उससे फ़ोन पर बातें नहीं करोगी तो उसे तुम पर शक हो जाएगा। अब जब भी रोहित का फ़ोन आए तो तुम उससे बातें क्या करो। पारुल, ठीक है तुम कहते हो तो कर लूँगी। रोहित और पारुल में अब प्यार भरी बातें होने लगी। पारुल की प्यारी प्यारी बातें सुनकर रोहित पारुल से बहुत प्यार करने लगा था। सगाई से लेकर शादी का समय रोहित के लिए बहुत खास था। रोहित की माँ भी बहुत खुश थी कि उन्हें इतनी संस्कारी और इतनी शांत बहू मिल रही है, पर पारुल का असली चेहरा तो कोई समझ ही नहीं पाया। अब बस एक दिन ही बाकी था पारुल और रोहित की शादी में। पारुल विक्रम से मिलकर कहती, क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो, मेरी शादी होने की आज की रात ही तो बाकी है, मेरी उसके साथ शादी भी हो जाएगी। विक्रम तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाती हो, अभी रात बाकी है ना, और कल शादी के मंडप में रोहित तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा, मैं करूँगा। जब तुम दुल्हन बनकर मंडप में जाओ तो रोहित से कह देना कि तुम रोहित से नहीं मुझसे शादी करना चाहती हो, मेरे कहने से हमारी शादी हो जाएगी, वहाँ पर मौजूद कोई भी मना तो करेगा नहीं। विक्रम तुम बारीक हो और अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकती हो, और जो दहेज तुम्हारे पापा रोहित के परिवार को देने वाले थे वही मेरा हो जाएगा, जिससे मेरे मम्मी पापा भी तुमसे खुश रहेंगे और तुम उनकी डाली बहू बनकर रहोगी। पारुल तुम सही कह रहे हो, इससे अच्छा रास्ता तो कोई हो भी नहीं सकता। दूसरे दिन जब पारुल दुल्हन बनकर और रोहित दूल्हा बनकर तैयार होता तो पारुल रोहित से कहती कि रोहित मैं तुमसे नहीं विक्रम से शादी करना चाहती हूँ और मैं उससे ही शादी करूँगी। रोहित मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि यदि तुम मुझे पसंद करती हो तो ही शादी के लिए हाँ कहना, और तुम यदि विक्रम से प्यार करती थी तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ ही क्यों कहा। पारुल के पिता, तुम रोहित से ही शादी करोगी। पारुल, पापा मैं बारीक हूँ और मुझे जीवन साथी चुनने का अधिकार है। रोहित, हाँ तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन मेरी भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया, मेरे माता पिता का अपमान करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया, मेरा पूरा परिवार इस शादी से कितना खुश था उनकी खुशियों को छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया, पूरे समाज में मेरे और मेरे परिवार की हंसी उड़ाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया, आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मुझसे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुमने सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को ही ठेस नहीं पहुंचाई, तुमने तो अपने पिता का भी विश्वास तोड़ दिया, और उनके विश्वास तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया।
पारो रोहित से, रोहित इतनी भावनाओं में मत बहो, तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी नौकरी भी करते हो, तुम्हें कोई और बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी और तुम में तो कोई बुरी आदत भी नहीं जिसके लिए कोई लड़की का पिता तुमसे शादी करने के लिए मना करे। अब बारात लेकर वापस जाओ, मैं विक्रम से ही शादी करूँगी। रोहित बारात लेकर वापस चला जाता, लेकिन रोहित का परिवार और रोहित अपने इस अपमान को बर्दाश्त कर पाएंगे या कोई गलत कदम उठाएंगे और वहां पारुल के पिता शादी को स्वीकार करेंगे? आखिर पारुल और विक्रम की शादी के बाद क्या क्या होता है जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें। जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी लेकर आऊँ कहानी का दूसरा भाग तो आपको पता चल सके। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।